उदाहरण 7, यदि x बराबर 3/2 की घात 2 गुणित 2/3 की घात -4, तो x की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। हमें x बराबर 3/2 का घात 2 गुणित 2/3 का घात -4 है, तो x का घात -2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ सबसे पहले हम x बराबर 3/2 का घात 2 को हम 3/2 लिखेंगे, गुणित 2/3 का घात -4 को हम अंश और हर में बांटेंगे, तो ये होगा 2/4/3/4। हमने यहाँ घातांक का नियम लगाया है, चूँकि a/b^m = a/m/b^m होता है। अब x बराबर 3/2/2 गुणित ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए सबसे पहले 3/(-4) को हम अंश में ले जाएंगे, तो ये बनेगा 3/4 बटा अंश की संख्या 2/(-4) को जब हम हर में ले जाएंगे तो घात ऋणात्मक जो है धनात्मक में बदल जाएगा, तो ये 2/(-4) हो जाएगा 4। यहाँ पे हमने घातांक का सूत्र लगाया है, 1/(-m) = 1/(1)m और 1/(-m) = 1/(m) होता है। x बराबर यहाँ अंश में 3/2 गुणित 3/4 में आधार 1 है, तो घात जो है हमारे जुड़ जाएंगे, तो हम 3 को एक बार लिखेंगे और घात को का योग करेंगे 2^(4). उसी प्रकार से हर में 2/2 गुणित 2/4 को हम लिख सकते हैं 2/2 = 2^(4). हमने यहाँ पे घातांक में गुणा का नियम लगाया है, 1/(m) गुणित 1/(n) बराबर 1/(m)^(n) होता है। अब x बराबर 3/2/6, तो ये हुआ 3/6/2/2/4/6। यहाँ पे हमने x का मान निकाला 3/6/2/6, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि यहाँ अंश और हर दोनों की घात 6 है, तो हम इसको कोष्टक में लिख के 6 लिखेंगे। यहाँ पे हमने घातांक का नियम 1/(m/(b^m) = a/(b^m) का प्रयोग किया है। आगे हम इसे अगले पृष्ठ में देखते हैं। आगे देखते हैं, हमने x का मान निकाला था 3/2/6। अब हमें x का घात -2 ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले x का मान लिखेंगे 3/2/6। अब x का घात -2 है हमारे पास और हमने x का मान लिख लिया है, तो हम बड़े कोष्टक के बाहर में -2 लिखेंगे। अब
जब हम कोष्टक को बड़े कोष्टक को खोलेंगे तो घात गुणा हो जाएगा, तो 3/2 का घात 6 गुणित ऋण 2। यहाँ पे हमने घातांक का नियम लगाया है, a का घात m का घात n बराबर a का घात m गुणित n बराबर 3/2 का घात 6 गुणित ऋण 2 बराबर ऋण 12। अब हम इस ऋणात्मक घात को धनात्मक संख्या में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे, ये जो 3/2 है ये उल्टा हो जाएगा और ये बन जाएगा 2/3 का घात 12। चूंकि हम जानते हैं घातांक के नियम में a/b(m) = b/a(m) होता है बराबर 2 का घात, यहाँ पे अंश और हर के लिए घात 12 1 है। जब हम कोष्टक को खोलेंगे तो घात जो है अंश में और हर में आएगा, तो 2 का घात 12/3 का घात 12। यहाँ पे हमने घातांक का नियम लगाया है, a/b(m) = a/m/b(m). तो 2 का घात 12/3 का घात 12 यह उदाहरण का हल होगा।